साथीगण, चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा नाम माय नेम इज माय सेल्फ मंगल मेघालय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से, अच्छे से, डिटेल में, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। इस जो ये चैप्टर है, देखो यार, टेंथ क्लास का चैप्टर है, टेंथ क्लास एनसीईआरटी में। ठीक है, किसमें? एनसीईआरटी का पैटर्न है, एनसीईआरटी। उसके अंदर चैप्टर फोर है। कौन सा है? चैप्टर फोर एनसीईआरटी का चैप्टर फोर है, क्लास टेंथ का। ओके, इसको पढ़ने वाला है, दो महीने में एग्जाम आने वाले हैं भैया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यार, चैप्टर सीख लो, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ओके, बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है बेटा इसका नाम? क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। चलो ठीक है, यदि बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। यहां पर देखो, एक बात याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उससे पहले एक चैप्टर दिया है, वो है लीनियर इक्वेशन। क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आता है, पढ़ाए थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। देखो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं? दो है, एक एक्स है, एक वाई है। ठीक है, एक्स है, एक दूसरा वाई है। तो एक बात याद रख लेना कि जब भी किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए, कितने वेरिएबल आ गए? दो वेरिएबल, तो उसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम हमें दो इक्वेशन की जरूरत है। ओके, तो इसलिए अकेली सॉल्व नहीं होगी, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई और इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मान ली, इक्वेशन वन हो गई, इक्वेशन टू हो गई। अब यहां से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। इलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन की बात थी। अब देखो, ये मैंने तुम्हें क्या बताया, तो तुम्हें ये चीज नोटिस करना है कि देखो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी होती है वेरिएबल से? मैक्सिमम पावर कितनी होती है भाई? वन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है भाई? टू है। कितनी है? टू है। यानी कि तुम इसको डायरेक्ट ऐसा भी मान सकते हो कि एक्स की कितनी वैल्यूज निकल के आएंगी? कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? टू वैल्यूज निकल के आएंगी। किसकी निकल के आएंगी? एक्स की निकल के आएंगी। ओके ठीक है भाई, इसका और ज्यादा कोई रूल नहीं है, बस इतना। हाँ, एक और चीज बता देता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन है, देखो बेटा, जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या बताती है? देखो, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस। और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओके। यहां पर सारे नंबर प्लस के होते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, ये माइनस के, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। ये मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ये सब माइनस के इधर। ओके चलो देखते हैं, बीच में सेंटर में क्या है। चलो ये जीरो है, यहाँ पर सब यहाँ से जीरो से स्टार्ट है मेरे भाई। तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात करी जाती है, तो देखो यार, लीनियर इक्वेशन ये हमने खींच दी। ठीक है, ये हमने सीधी एक इक्वेशन लाइन खींच दी। तो यार, ये जो लाइन निकल के आएगी, वो इन इक्वेशन से निकल के आएगी। ओके, समझ आया? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी है? वन है, तो लाइन में आ गई। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां पर देखो, दो वेरिएबल से, कितने वेरिएबल से लीनियर इक्वेशन है? दो वेरिएबल, एक एक्स एक वाई। इसलिए जो लाइन खींची जाती है, वो x पे भी कट करती हैं, y पर भी कट करती हैं, बहुत सी जगह तुम्हें दिखती हैं। ठीक है, हो सकता है y की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वहां पर कट ना करे। लेकिन इसके अंदर जो है, सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x। ठीक है, x। और एक बात और याद रख लेना कि यहां पर जो ये a है ना, क्या है बेटा? a।
ये एक कभी भी बेटा क्या नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, सीधी बात है ना यार, अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा खेल ही जीरो हो गया ना, जीरो के साथ किसी का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, ओके। तो अब मैं बता रहा था कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ग्राफ बनाती है ना, ग्राफ बनाती है एक्चुअली, वो ग्राफ बनाती है कर्व का, किसका बनाती है बेटा, कर्व का, कर्व कैसा होता है, हाँ ये ऐसा कर्व होता है क्या, नहीं देखो बेटा ये इस टाइप, देखो मे भी ये सब तुम्हें इलेवेंथ का पढ़ने के लिए मिलेगा, ट्वेल्थ का पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें पता रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर चीज क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन लाइन को शो कर रही थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको शो कर रही है, देखो बेटा अगर कभी भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप के ग्राफ बनाती है, ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप कुछ ग्राफ बनाती है, ये हो गया इस टाइप में, मे भी समझ रहे हो ना, ऐसे हो सकते हैं, कुछ और भी डिजाइन हो सकता है, या इक्वेशन पे डिपेंड रहेगा वो कौन सी वैल्यूज दी है, क्वाड्रेटिक एक्स दिया, एक्स दिया वाई वेरिएबल दिया है, ठीक है, उसका कोई वो नहीं है। तो याद रखना कि इस टाइप में कुछ कर्व्स बनते हैं, कर्व बनते हैं, क्या बनते हैं, कर्व बनते हैं, ओके, ठीक है भाई, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में विस्तार से पढ़ना मन भर जाएगा, ओके डन। तो अभी फिलहाल टेंथ के हिसाब से पढ़ लो, दिसंबर और जनवरी बची है बस, आता नहीं है तो मैं कुछ नहीं बात है, मानना पड़ी बड़ी, चलो ठीक है, मेरे को क्या लेना, ठीक है भाई। तो ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, बी हो सकता है, हाँ हो सकता है यार, हो सकता है, सी हो सकता है, हाँ यार ये भी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अभी अपन किसी बात करने वाले हैं, देखो समझना बेटा, क्या बोला था मैंने यहाँ पर, ए कभी भी क्या नहीं होगा बेटा, जीरो नहीं होगा, पहली चीज तो ये है, ए रियल नंबर है, क्या है ए, क्या है ए, एक रियल नंबर है, रियल नंबर, ओके। अब देखते हैं एक्स क्या है, ठीक है भाई, एक्स क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, जो एक्स है ना, देखो रूट्स, एस लिखा है एस, रूट्स यानी मैक्सिमम एक से ज्यादा है, एक्स की देखो एक्स पर पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर टू होती है, ठीक है, तो x की कितनी वैल्यूज निकल के आती है, टू वैल्यूज निकल के आती है, पहली वाली वैल्यूज को क्या बोलते थे हम, पहली वैल्यू को बोलते थे अल्फा, दूसरी वाली को बोलते हैं बीटा, ये दोनों रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। देखो x की वैल्यूज फाइंड करने के अलग अलग मेथड होते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स पता करने के अलग अलग मेथड है, एक मेथड का बड़ा प्यारा सा नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फैक्टराइजेशन नहीं आया तो तुम्हें क्या आया यार, ठीक है, और दूसरा तो उससे भी आसान है फॉर्मूला मेथड, लेकिन जो फॉर्मूला ही याद नहीं रख पाया वो बस भगवान मालिक है, ठीक है, ओके। तो दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा है फॉर्मूला मेथड, दोनों को अपन करेंगे, अभी तो फिलहाल ये बेसिक्स है, एक इंट्रोडक्शन है, कभी भी भूल जाओ आगे देख सकते हो क्या बताया था, ठीक है। तो ये अल्फा है भाई, ये बीटा है, ठीक है, ये दोनों रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या है, दो रूट्स निकलेंगे, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है, देखो रूट्स कैसे निकालने वाले हैं वो चीज चलो बताइए देता हूं तुम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दो मेथड है, सबसे पहला मेथड कौन सा होता है अपना, एक है फैक्टराइजेशन, कौन सा बेटा, फैक्टराइजेशन, और दूसरा है हमारा कौन सा, फॉर्मूला मेथड, कौन सा, फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड, यानी बात क्लियर, एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक फैक्टराइजेशन लगता है, एक फॉर्मूला मेथड लगता है, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला मेथड, और भी पता नहीं है यार, ठीक है, दो मान लो तुम, दो अभी टेंथ में सिर्फ इतना ही काफी है, एक फैक्टराइजेशन दूसरा फॉर्मूला मेथड, ओके ठीक है। तो अब देखो ये अल्फा और बीटा के बारे में बात कर रहे थे हम, ये दोनों क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इन दोनों के लिए दो फॉर्मूले बनाए गए हैं, कौन कौन से, इधर ध्यान से देखना, सबसे पहला होता है आपका सम ऑफ रूट्स, कौन सा होता है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर किसी ने बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो अल्फा बीटा होते हैं, जो भी इनकी वैल्यू आई, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो हमें तो किसी और से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ उसका सम बता दो, क्या बता दो, जो रूट्स होंगे उनका हमें सम बता दो। तो देखो बेटा रूट्स का सम बताने के लिए कभी भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि
सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, डायरेक्ट आ गया सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देख के ही बताना है, कैसे बताना है, देखते ही, मतलब ना तो कुछ फैक्टराइजेशन, ना ना फॉर्मूला मेथड करना, कुछ भी नहीं करना बेटा। ओके, आपको बेटा क्या कर देना है कि जहां पर इसको ध्यान से देखना, माइनस बी अपॉन ए क्या होती है इसकी वैल्यू, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा कौन सा होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इसको आप डिनोट कर सकते हो अल्फा इनटू बीटा से, ये आपका होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। ओके, क्या हो गया सी अपॉन ए हो गया, ठीक है ना भाई। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हटा दूंगा थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है, हटाई देते हैं। तो क्या देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बोलो मेरे साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, पहली चीज क्लियर। ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, ए क्या नहीं हो सकता, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ओके। ए के ऊपर मतलब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है, टू होती है, ठीक है। जो एक्स जो वेरिएबल है, जो एक एक्स है, उसमें मैक्सिमम पावर कितनी लगी, टू लगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। पहले को हम बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। अब ये रूट्स निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। कौन सा, फॉर्मूला मेथड। ओके, अब बात करते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कि भाई सम ऑफ रूट्स, यानी किसने बोला यार हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स बता दो, यानी अल्फा प्लस बीटा बता दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी। सिर्फ कंपेयर करना है आपको, क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर कर देना है। जस्ट सी, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बोल दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 पर इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ये एक इक्वेशन दे दी मैंने। ओके, ध्यान से देखना यार, अब कुछ भी नहीं करना है यार। देखो मैं बोल रहा हूं कि भाई इसके सम ऑफ रूट्स बताओ, क्या बताओ, सम ऑफ रूट्स, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स। सिर्फ यहां पर ये बता दो कि ए की वैल्यू क्या होगी, देखो कंपेयर करो इससे, ए की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे भाई, 4 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी, ठीक बेटा हो जाएगी। तो लगा दो माइनस बी अपॉन ए, बी है, बी के यहाँ पे कितना है, 2 है, माइनस लगा देना, ए की यहाँ पे कितना है, 4 है, माइनस 2 अपॉन 4 कट कर दोगे, माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। सी अपॉन ए, देखो सी की यहाँ पर कितना है, 5 है, ए की यहाँ पर, यानी ये 5 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस टाइप में कंपेयर करना है, ठीक है यार, वास्तव में सिंपल है, तो मैं लग रहा होगा यार कि यार ये जरूरत से ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बात स्पीड में पढ़ाने की नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा 11th है 12th है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत बड़े बड़े लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये तो छोटी छोटी क्वेश्चंस है, अर्थमेटिक ही बोलते हैं इसको भी, ठीक है। तो इतना यहाँ पर आपको देखो समझो, इतना टाइम नहीं है, दिसंबर और जनवरी सिर्फ 2 मंथ बचे हैं, ठीक है, 2 महीने के अंदर हमें पूरा अपना रिविजन करना है, ठीक है। और भाई रिविजन ना, रिविजन स्पीड में कराया है तो ही बेटर है, मतलब कोई सेंस नहीं है। तो पूरी साल में और रिवीजन में क्या फर्क रहेगा, पूरी साल में बच्चे डिटेल में पढ़ता है, लेकिन जब ये लास्ट मंथ होते हैं दिसंबर जनवरी और फरवरी भी मान लो, और गैप मान लो, बहुत से लोग तो गैप में इतिहास रच देते हैं, वाह यार मानर अपन नहीं थे उस टाइम के, उस टाइप के मतलब। तो आ रहा कुछ बात है, अब इसको थोड़ा साफ कर दें। ओके, तो अरे यार ये मिट गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई। अच्छा देखते हैं, अब मैंने बताया कि जो रूट्स निकालने का सबसे पहला मेथड कौन सा होता है बेटा, फैक्टराइजेशन। कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है ओके। तो फैक्टराइजेशन कैसे काम कर रहा है, देखो बेटा जो ये ए है ना, इस ए का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, सी में करना है। सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई सी में करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया उसको जरा साइड में रख लो। अब जो आंसर आया है ना, अब जो ये बी है, बी एक्स,
इस बी एक्स के आपको ऐसे पार्ट करना है, इस बी एक्स को आपको मतलब दो ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि भाई उन दोनों हिस्सों का जब मल्टीप्लाई करें, बात को ध्यान से सुनना, ए का मल्टीप्लाई हमने पहले किससे कर दिया, सी से कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, ठीक है। अब जो ये बी एक्स है, इस बी एक्स के ऐसे दो पार्ट करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो बात ए सी के बराबर आ जाए, यानी ए इंटू सी के बराबर आ जाए, और प्लस या माइनस करने में वापस बी एक्स के बराबर आ जाए। नई बात समझ में आई? तो इधर देख, मैं एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी से लेते हैं, चलो ठीक है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, क्या दिया ये, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। इस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो एक बात और डाउट है, ये एक्स के बगल में क्या है, कौन जानता है क्या है, 1 है, वेरी गुड, क्या है 1 है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया बेटा, 10 से किया, कितना होगा 1 का, तो टेबल ही नहीं मालूम यार, हाँ 1 10 10, ठीक है। अब ये 3 है, ठीक है। अब इस 3x को इस तरीके से डिवाइड करो, इस तरीके से तोड़ो, ब्रेक करो कि भैया मल्टीप्लाई करने पर क्या जाए, देखो समझ, इस 3x के हमें दो ऐसे पार्ट करना है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर वैसे वैसे लिख दो, माइनस 10 यहाँ पर वैसे वैसे लिख दो, अब ये माइनस 3x है, ठीक है। अब 3x के ऐसे कौन से पार्ट करोगे कि प्लस या माइनस करने पर वापस 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। अच्छा एक बात, 10 किस किस के मल्टीप्लाई से बनता है, 5 × 2 से ही तो बनेगा, और किससे बनेगा, तो देख लो अगर ये अप्लाई काम कर रहा है तो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 5x, ओके भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 2x। अरे मैंने गलती तो नहीं कर दी ना, अरे नहीं करी है भाई, मैं गलती कर ही नहीं सकता, दुनिया में कोई भी इंसान गलती कर सकता है यार, ठीक है। अगर हमने गलती करनी बंद कर दी तो हम इंसान ही नहीं रहेंगे यार, ठीक है। आ जाओ देखो भाई, तो इन देखो माइनस 5x प्लस 2x, अब इन दोनों को देखो अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन जब इन देखो इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे किसका साइन है, प्लस का है, इन दोनों में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, माइनस 3x। यहां से आपको कॉमन लेना है, इन दोनों से यहां से कॉमन लोगे x बचे, x बाहर आएगा, x माइनस 5 अंदर, इन दोनों से कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे देखो बेटा, इन दोनों से आप प्लस 2 कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे प्लस 2, यहाँ x बचेगा, यहां पर माइनस 5 आएगा, ठीक है, और दोनों के बराबर में क्या है 0, तो चल ही रहा है इक्वल में, x माइनस 5, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो यहां तक तो आपका आंसर सही है, यहां तक आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है, x प्लस 2 दोनों के इक्वल में 0, यही बात समझ आई। अब देखो इन दोनों के इक्वल में क्या है 0, तो इन दोनों को सेपरेट लिख लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल में 0, x प्लस 2 इक्वल में 0, ठीक है, ये नजर आ रहा है या नहीं, चलो इधर लिख देंगे ऊपर, यानी x माइनस 5 इक्वल में 0 और x प्लस 2 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू 5 हो गई, x की वैल्यू यहां पर माइनस, ये वाली बात, ठीक है। ये क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन है, कौन सा है फैक्टराइजेशन, देखो ध्यान से, एक और आप बोल रहा हूं कि जो ये 3x था, इस 3x के आपने ऐसे टुकड़े किए कि उनको प्लस या माइनस करने पर वापस 3x हो जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर यहां और मतलब ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, ओके ठीक है। तो ये ऐसी टाइप में सारे क्वेश्चंस करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा मेथड मैंने कौन सा बोला था, फॉर्मूला मेथड, ओके फॉर्मूला मेथड की बात करते हैं, तो फॉर्मूला मेथड क्या था, ठीक है आ जाओ, तो फॉर्मूला मेथड क्या बताता है, देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई, ओके कोई गलती तो नहीं है, अपॉन में क्या होता है 2a होता है, ठीक है ओके। ये फॉर्मूला याद रखना है, अब बहुत से अच्छे होनहार बच्चे कहेंगे कि सर ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो देखो बेटा मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी कि इसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो दो होते हैं, क्या होते हैं दो होते हैं, ओके बेटा। तो जब तुम फॉर्मूला मेथड, देखो फॉर्मूला मेथड होता है बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें आपको वैल्यू पुट करना है, कंपेयर कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके। तो यहां पर एक बार वैल्यू प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में लेते हैं, ठीक है,
पुट कर पाओगे, वैल्यूज कंपेयर कर पाओगे। जैसे कि देख लो भाई, मैंने बोल दिया है 2x² + 3x + 9 = 0। ठीक है, अब यार मैं बोलूँ इसमें फॉर्मूला मेथड लगा दो, तो मेरे भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखो, ए की जगह पर क्या है 2a, बी की जगह पर 3 है और सी की जगह पर 9 है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर वैसा वैसा है, वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो। अरे क्या करना है यार, ऐसा थोड़ी सही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स ना क्वेश्चंस को मैथ्स को बड़ा बहुत वो समझता है, हुआ सा समझ लेता है, हुआ मचा देता है। अरे सर टफ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं अरे यार तू हाइपर होने से अच्छा है थोड़ा कूल माइंड होकर उसको देख ले। सही बात है ना, हाइपर हो रहे हो कि यार मेरे को क्या किया सर, इसको दोबारा बताना है। अरे कुछ नहीं किया यार, फॉर्मूला था, मैंने कौन सा अपनी जेब से निकाल के रख दिया यार, बुक में दिया यार। हाँ नहीं तो ठीक है, उस देश के वासी हो तुम जिस देश में रामानुज जैसे मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है, आर्यभट्ट जैसे उस जमाने के साइंटिस्ट भाई। ठीक है, अब यहां पर बेटा इस चीज को आपको गौर से देखना है। ठीक है, ये क्या देख रहा है, b² - 4ac। ये जो चीज है ना b² - 4ac, बेटा ये बहुत काम आने वाली चीज है। b² - 4ac क्या, b² - 4ac देखो, ये जो क्या होती है, इसको प्यार से अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिनोट करते हैं इसको डी से, इससे डी से डिनोट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बेटा रूट्स का नेचर बताता है। क्या बताता है, रूट्स का नेचर बताता है, नेचर मतलब रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है या अनइक्वल है। ओके, इक्वल है, अनइक्वल है, इमेजिनरी है, रियल है, ये क्या है, ये रूट्स का नेचर ही तो है। जो अल्फा और बीटा निकाला उसका नेचर है ये। ठीक है भाई, तो जरा ध्यान से देखना, b² - 4ac ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक तरह से लास्ट ही समझ सकते हैं। इसके बाद में और जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है ना बेटा, इससे बाहर निकलना नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना, b² - 4ac, अगर ये b² - 4ac 0 के बराबर आया था, किसके बराबर आया था, 0 के बराबर आया था, किसके बराबर है, हाँ। अगर बेटा ये 0 के बराबर आ गया तो सबको मालूम है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये रूट्स होंगे आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल नंबर सिस्टम पढ़ाए क्या, नंबर सिस्टम पढ़ाए बचपन में अपना, देखो यार दो नंबर होते हैं, दो नंबर सिस्टम मान लो, एक रियल नंबर सिस्टम, दूसरा इमेजिनरी। इमेजिनरी से तो आज तक आपका पाला पढ़ा ही नहीं है, 11th और 12th तक पढ़ जाएगा, मन नो कामना पूरी होगी। लेकिन जो रियल नंबर सिस्टम होता है, देखो सुनो, अभी तक तुमने जितनी वैल्यूज देखी होंगी ना, ठीक है, चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, डेसिमल की हो, या फिर कोई इंटीजर हो, जीरो हो, ये सब रियल नंबर में आते हैं। सब किस में आते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर अपने आप में, यहाँ तक कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है, क्यूब रूट वाली वैल्यू होती है, वो भी रियल नंबर का ही पार्ट है, अलग से नहीं है। तो स्क्वायर दो एक्सेप्शन है, बहुत से हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो b² - 4ac अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है। b² - 4ac अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स क्या है, रियल है एंड इक्वल है। ओके, अगर b² इधर लिख लेते हैं, अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, कैसा है भाई, 0 से हमारा बड़ा आ गया, फिर आ गया बड़ा आ गया। ओके, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आपके रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ठीक है, और अगर ये 0 से छोटा आ गया तो नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो रूट्स रियल नहीं है, तो वो इमेजिनरी हो जाएंगे। ओके, तो अभी तक बेटा क्या समझ में नहीं आया इसमें, ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा कर्व को बताती है, कर्व की इक्वेशन होती है पहली चीज। ओके, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है एक्स है, ठीक है, एक ही इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि जब दो वेरिएबल आते हैं तो दो इक्वेशन आती है। मैक्सिमम पावर इसमें टू है, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता, ए कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। एक्स की जो वैल्यूज निकलती है बेटा टू निकलती है, दो वैल्यूज निकलती हैं जिनको अपन एक्स को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। अगर हमें कोई कहे कि यार आप सम ऑफ रूट्स बताओ, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो कि माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, इसी बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ सी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। दोनों के बारे में मैंने बेसिक तो थोड़ा समझा दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है बेटा, नेचर बताता है, क्या बताता है, रूट्स का नेचर, यानी रूट्स रियल हैं, इमेजनरी हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, ये सब डिस्क्रिमिनेंट बताता है, जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए। तो अगर इतना कर लिया है तो अब सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशन पे आना है। अब स्टेप बाई स्टेप अपन एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बड़े ही प्यार से, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।